हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एसबीआई बैंक की मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक किया जाता है। मैं इस वीडियो में आधार नंबर के माध्यम से एसबीआई बैंक की मिनी स्टेटमेंट चेक करके प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। आप बैंक से कौन सा डेट पे कितना पैसा ट्रांजैक्शन किया है, सबका लिस्ट आप मिनी स्टेटमेंट के माध्यम से आप देख सकते हो। तो इनके लिए सबसे पहले पे नियर बाई एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो देखिए, मैं पे नियर बाई एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया। पे नियर बाई आधार विड्रो की एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है। तो देखिए, मैं पे नियर बाई एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लिया और मैं मिनी स्टेटमेंट चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर लिखा है, देखिए मिनी स्टेटमेंट। आप सेम प्रोसेस से किसी भी बैंक की मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। तो देखिए, मैं मिनी स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए, मैं डिवाइस जो मैं मर्फो डिवाइस यूज़ कर रहा, तो यहाँ पर देखिए मर्फो डिवाइस मैं यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया मर्फो डिवाइस को, क्योंकि मैं मर्फो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आधार नंबर, सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर इनपुट करना होगा। आप यहाँ पर आधार नंबर इनपुट कर सकते हो और आप जिसका बैंक अकाउंट की मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो उनका आधार नंबर यहाँ पर इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं आधार नंबर इनपुट कर दिया, एक कस्टमर के आधार नंबर मैं यहाँ पर इनपुट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट बैंक के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर इंडिया का जितना सारा बैंक है सबका मेनू यहाँ पर खुल जाएगा। आप जिस बैंक की मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मैं स्टेट बैंक की मिनी स्टेटमेंट मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के ऊपर मैं क्लिक कर दिया, बैंक सिलेक्ट हो गया। और नीचे यहाँ पर देखिए, कस्टमर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप कस्टमर की मोबाइल नंबर इनपुट कर सकते हो। आप किसी भी मोबाइल नंबर यहाँ पर इनपुट कर सकते हो। अगर मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर नहीं भी है तो भी आप किसी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मैं मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया, यहाँ पर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करके यहाँ पर देखिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। नीचे लिखा है स्कैन फिंगर के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। देखिए, फिंगरप्रिंट डिवाइस जो है यहाँ पर रेडी हो चुका। अब मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट प्रेस कर दिया, देखिए सक्सेसफुल यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है प्लीज़ वेट, लोडिंग हो रहा है। और लोडिंग होते ही यहाँ पर देखिए, नीचे यहाँ पर देखिए आप ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, यहाँ पर इस तरह से मिनी स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो, कौन सा डेट पे कितना अमाउंट डेबिटेड हुआ है, क्रेडिट हुआ है, सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप भी पे नियर बाई एप्लीकेशन या कनेक्शन लेना चाहते हो, इनके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेना होगा। मैं डिस्ट्रीब्यूटर की मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हूँ, वहाँ से कॉल करके आप पे नियर बाई आईडी ले सकते हो। पे नियर बाई से आप आधार नंबर के माध्यम से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो और रिचार्ज बिल पेमेंट भी कर सकते हो, एयर टिकट, ट्रेन टिकट बुक, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।